हेलो स्टूडेंट्स, प्रेप गुरु के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं क्यों। तो जैसा जानते हैं कि पेपर जो है हमारा सीयूटी का लगातार चेंज हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें सुनने को मिल रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो प्रिपरेशन का मेथड है, और उसके बाद कितने मॉक्स हमें लगाने चाहिए, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। अब मॉक से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है तो हमने सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है कि कैसे क्वेश्चंस पहले आते थे और आपकी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्वेश्चंस को डील करने के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए। हालांकि उसमें एक डिटेल वीडियो हम बाद में करेंगे। आइए लौटते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। तो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हमने देखे हैं, जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनमें जो सबसे पहला चेंज है वो है एग्जाम हमारा हाइब्रिड मोड में होगा। अब सर, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? तो हाइब्रिड का मतलब जो है आपका पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। हो सकता है कि आप ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हो पर पेपर ऑफलाइन हो जाए, तो पता कैसे चलेगा कि आपका सब्जेक्ट ऑनलाइन है या आपका सब्जेक्ट ऑफलाइन है? तो उसका जवाब भी जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि ऑफलाइन सीयूटी यूजी फॉर सब्जेक्ट्स विद ओवर 1.5 लाख एप्लीकेंट्स, मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स जिसमें एप्लीकेशंस 1.5 लाख से ज्यादा हैं। हो सकता है कि वो फिजिक्स हो सकता है वो केमिस्ट्री, हो सकता है वो पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें एप्लीकेशन जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा है, वो आपकी ऑफलाइन होने की चांसेस है। ऑफलाइन का मतलब ये हुआ कि आपको OMR मिलेगी, पेन पेपर मिलेगा, और पूरा का पूरा एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो चेंज मेजर मिला है वो मिला है जो डोमेन थे पहले वो 10 दिए जाते थे, उसको चेंज करके कितना कर दिया गया है? 6। अब 6 सब्जेक्ट्स में एक GT तो है ही है और एक लैंग्वेज ये भी है। अब 6 सब्जेक्ट्स में अगर एक GT है और एक लैंग्वेज है, तो GT और लैंग्वेज की सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पड़ेंगी, और एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हो सकता है GT और लैंग्वेज ये दोनों भी ऑफलाइन मोड में हो जाए। ठीक है? और तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये कि डेट अभी हमारी आई नहीं है, उसके लिए जो है NTA और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं, और इस वीक तक फाइनलाइज हो जाएगा कि क्या डेट्स हैं और क्या आपकी डिटेल्स हैं, वो सब हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है अपने आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए, और अपने सिलेक्शन को अपने मन चाहे कॉलेज में पक्का करने के लिए। किसी भी तैयारी करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीयूटी की तैयारी करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके अपडेट्स पता होने चाहिए और उसकी सीयूटी की प्रिपरेशन की डिटेल स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। और इन दोनों चीज के लिए जरूरी है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दी है, और इसी में हमने प्लेलिस्ट लगा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको डिटेल स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी। आने वाले वीडियो में अगर कोई चेंज आता है तो मैं फिर से आपके सामने इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊंगा। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।